सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में चश्मदीद गवाह और हमले में घायल अजीत सिंह अब नहीं रहे। मंगलवार देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि अजीत गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में पूरे दिन कमरे में ही मौजूद थे। वहीं बदमाशों ने उनके ऊपर हमला करते हुए 3 गोलियां मारी जिससे वह घायल हो गए। अजीत सिंह की मौत की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग SMS अस्पताल पहुंचने लगे। परिवार का ढांढस बांधा। फिलहाल मेडिकल बोर्ड से आज पोस्टमार्टम हो जाएगा और शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अजीत सिंह की SMS अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। हत्याकांड के दौरान अजीत सिंह गंभीर घायल हुए थे। इसके साथ ही राजपूत समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सरकार प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। साथ ही पुलिस अब रोहित और नितिन फौजी पर अजीत की हत्या का भी केस दर्ज करेगी। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।